हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों, बेंगलोर रेस की 9 जुलाई की रेस है। पहली रेस 1:30 बजे है, आखिरी रेस 4:30 बजे है। और मेजर इवेंट द महाराजाज गोल्ड कप है। और सबसे पहले यार एक बात कर लेते हैं, कल जो मैंने अपना उसमें आपसे कमेंट मांगे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने कमेंट किए और समझ गया यार मैं कुछ, बट एक दो अगर नेगेटिव भी कर देते तो समझ आता कि क्या नुकसान है उन चीज़ों से। खैर कोई बात नहीं, किसी ने नहीं करा तो कोई बात नहीं, बट मुझे पता भी है क्या नुकसान है। और इस चीज़ को मैं मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला था मतलब पर डे का, उसी को लेके चलूंगा मैं। तो कंटिन्यू करते हैं, और कुछ लोग जुड़े भी हैं, और आज का दिन खास गया नहीं, एक आया एक गया, तो पार्ट ऑफ रेसिंग। कल देखते हैं और आ जाते हैं पहली रेस में। 1200 मीटर की रेस है, क्लास 5 की। यहाँ पे एयर ब्लास्ट मोक दे के आ रहे हैं घोड़े को, और एन अरविंद कुमार राइडिंग बहुत बढ़िया कर रहा है यार इस सीजन। और लास्ट टाइम घोड़ा प्लांट हुआ था चैंपियन वे के साथ में, और यहाँ पे अगर बिल्कुल यार चांस बनता है, वेट का थोड़ा सा वो लग रहा है 62.5 किलो, और उम्मीद करते हैं कि बोर्ड में हिट करे तीसरा चौथा पोजीशन या सेकंड। और 2 नंबर है डेलाज ड्रिफ्टर, बहुत बढ़िया घोड़ा है यार ये, और कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल कह सकते हो इस घोड़े पे। लास्ट टाइम भी 3 रुपए का भाव था, और सोनू कुमार के नीचे। और यहाँ पे विवेक जी राइडर का बेनिफिट होना चाहिए, विप। और उसके बाद है 3 नंबर मेगा सक्सेस, यहाँ पे TS ऑफ कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि घोड़ा प्लेस में आए इस बार ही। अपसेट कर भी सकता है, पूरा अपसेट भी कर सकता है। 4 नंबर फोनिक सरप्राइज, लास्ट रन अच्छा था यार, मरून के साथ में गुड सेकंड लगा, अरविंद बैठा हुआ था, इनायत 3 किलो का अलाउंस, बिल्कुल चांस बनता है। अल्टेयर प्लेस ट्राई कर सकते हैं यार, लास्ट टाइम चौथा हुआ था सैंड कैसाल के साथ में। और 6 नंबर एने बोला है, इमरान खान बैठ गया है, कुछ ब्लैंकर ऑन कर रहे हैं, SCP ऑफ कर रहे हैं, सरप्राइज कर सकता है। और 8 नंबर कोंचिवा हिंदू सिंह, और वारन सिंह जी का घोड़ा लास्ट टाइम भी जिताया था, और लास्ट रन इम्प्रूव भी है, अच्छा रन है, थर्ड लगा जैसे लेजेंड के साथ में। 10 नंबर रशियन रोमांस, ये घोड़ा यार अपसेट कर सकता है, और पिक लेके चलूंगा दोस्तों इस रेस में। 4 नंबर फोनिक सरप्राइज इनायत, और 2 नंबर डेलाउस ड्रिफ्टर विवेक जी। सेकेंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1800 मीटर की रेस है, 1-2 की बैट है, और 1 नंबर ट्रुथ एस जॉन बैठा हुआ है टॉप वेट में, 9.5 किलो की पेनल्टी, 56 किलो का खुद जॉन है, घोड़ा यार बनता है बिल्कुल, माइटी जो के साथ में गुड थर्ड लगा हुआ है, और बहुत बढ़िया रन था यार लास्ट टाइम। उम्मीद करते हैं कि एक और बेटर रन देखने को मिले, जॉन के नीचे घोड़ा जीते। यहाँ पे 2 नंबर जूलियो, लास्ट रन ठीक था बट लास्ट मोमेंट है तीसरा शायद सेकंड कुछ। खैर क्लास 4 में उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले। सियान यहाँ पे TS जोधा इम्पियाना के आगे थर्ड लगा था घोड़ा, सरप्राइज कर सकता है। और इसी रेस में सियान के साथ में फेयरलेस जॉय भागा था, काफी स्लो निकलने के बाद, ये घोड़ा स्लो निकल रहा है, गेट से कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं। यस नेडू बैठा हुआ है इस बारी, और ज्यादा बेटर होता कि सूरज ही बैठा देते यार, तो और ज्यादा बेटर हो सकता था। खैर यस भी अच्छा राइडर है। और 6 नंबर ग्रीनविच अपसेट प्लेस, आप देख सकते हैं इस घोड़े को, और पिक लेके चलूंगा दोस्तों 2 नंबर जूलियो पी ट्रेवर, और 1 नंबर ट्रुथ एस जॉन। थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1200 मीटर की रेस है, और यहाँ पे 3 ईयर ओल्ड की, 1 नंबर कमांडिंग नाइट पी साई कुमार बैठा हुआ है, रिकार्डो के साथ में 5वां लगा, उससे पहले स्पिरिट ऑफ थंडर, जो भी घोड़े का नाम यार अभी मेरे को क्लिक नहीं हो रहा, स्पिरिट ऑफ कुछ था, और उसके साथ में थर्ड लगा था ए विक्रांत बैठा हुआ था, और प्लेस बिल्कुल बनता है घोड़ा। 2 नंबर कॉस्मिक काबॉय, आप अपसेट प्लेस देख सकते हैं यहाँ पे। 4 नंबर सेवन समुराई सरप्राइज कर सकता है। 6 नंबर हनी केक, हाफ सिस्टर मतलब डेल्फिनी, आप जानते होंगे कलकत्ता का यार, क्लास 1 तक घोड़ा गया हुआ है, उसी की सिस्टर है।
और ट्रैक भी ठीक जा रहा है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अक्षय कुमार के नीचे घोड़ा जीते यार। 7 नंबर समाचार न्यूज़ और ये सी उमेश के नीचे प्लेस आप देख सकते हैं। इस घोड़े की खास कुछ रन दिया नहीं था लास्ट टाइम मैजल टो के साथ में, यही कह सकते हैं पीछे ही रह गया। 8 नंबर सुबह प्लेस ट्राई कर सकता है अभय सिंह के नीचे। और यहाँ पे पिक लेके चलूंगा दोस्तों 6 नंबर हनी केक अक्षय कुमार और 1 नंबर कमांडिंग नाइट पी साई कुमार। आ जाते हैं दोस्तों चौथी रेस में, 1600 मीटर की रेस है, क्लास 4, 2 नंबर लैक्स लुथुर। पता नहीं इस घोड़े के पीछे क्यों बुक्की और पंटर दोनों ही पड़े हुए हैं, हर बार घोड़ा लग रहा है तीन, दोनों बारी तो बहुत ज्यादा, दोनों बार बहुत ज्यादा बैटिंग हुई है घोड़े पे यार। और ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुराद पूरी हो जाए, जीत जाए घोड़ा। बट लास्ट टाइम भी यार मुझे समझ नहीं आया क्यों फेवरेट था ये घोड़ा, खैर और 5वां लगा था। और इस बार भी 3 नंबर ब्रूस एलमाइटी, ये 7वें भागा था घोड़ा, ये 3rd लगा था रियान अहमद के नीचे और फ्रंट ही निकला था घोड़ा। और इस बार ही 200 मीटर शॉर्ट जाना है और अक्षय कुमार बैठ गया बेटर राइडर, उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते। 4 नंबर एमा प्लेस आप देख सकते हैं। 5 नंबर एयरक्राफ्ट लास्ट टर्न अच्छा था यार टर्कोमैन के साथ में, अक्षय कुमार जर्मन बैठ गया है वारन सिंह जी के घोड़े पे। और वाइट रोजेस विदाउट वेब रेस ट्रेवर ने भगाया था, 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, उम्मीद करते हैं प्लेस देखने को मिले इस घोड़े की। बहुत कम घोड़े होते हैं ये, स्पीकिंग ऑफ विच और मल्टी डायमेंशनल के बच्चे जो इन क्लास 4-3 में भाग रहे होते हैं, मतलब 4 एटलीस्ट 4 में तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, घोड़ा काफी टाइम से रुका हुआ है। और 8 नंबर रिंग मास्टर टी एस जोधा के नीचे कुछ इंसिडेंट हुआ है लास्ट टाइम, अपसेट आप देख सकते हैं इसकी प्लेस। और पिक लेके चलूंगा इस रेस में 3 नंबर ब्रूस एलमाइटी अक्षय कुमार और 5 नंबर एयरक्राफ्ट एस जर्बन। आ जाते हैं दोस्तों 5वीं रेस में, 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की और यहाँ पे 1 नंबर मिचिगन मेलेडी एतोसा के साथ में गुड सेकंड लगा था, इनायत से इनायत बैठा हुआ है, 3 किलो का अलाउंस है। और 2 नंबर नील देवानाथ जी के ही घोड़े हैं, दोनों सेम ट्रेनर है और ऑनर अलग अलग हैं। और 2 नंबर डेविल्स मैजिक अक्षय कुमार लास्ट टाइम डेडिकेट के आगे 5वां लेके बैठा हुआ था ये घोड़ा यार, और भैया कुछ अच्छी पोजिशन भी लेके बैठ जाया करो अक्षय कुमार, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही बहुत बड़े राइडर हो आप। और खैर 5वां लगा था लास्ट टाइम और उम्मीद करते हैं इस बारी एश जॉन के नीचे घोड़ा यार बोर्ड में देखने को मिले। तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर पे सेम ही ट्रेनर का कनेक्शन देखने को मिल रहा है। 3 नंबर रैपिडस लास्ट मोमेंट में जिसे कहते हैं कि यार गर्दन रखी दी थी, वर्ड स्मिथ जीता था पैसेज साहब का घोड़ा 1 नंबर स्टार्ट टू फिनिश उस दिन, और इसने गर्दन रख दी थी उससे पहले विद माई लव को मार के मतलब बीट करके आया था। उम्मीद करते हैं दोबारा घोड़ा एक बेटर रन दे और विन का चांस बिल्कुल बनता है 1200 मीटर में। 4 नंबर स्विफ्ट पैसी साहब का बढ़िया घोड़ा है यार, ये काफी पोटेंशियल देखने को मिला, काफी इंप्रूव, मतलब मुंबई के सारे रन 3 रन बहुत बढ़िया थे, भोसले ने जब जिताया फिर उसके बाद कीर्तिस भगत ने, ट्रेवर के आगे फेवरेट था, 2 रन तो विदाउट वीपी जीते हुए हैं, सी उमेश बैठा हुआ है, बिल्कुल चांस बनता है, ट्रैक भी ठीक जा रहा है। 5 नंबर अल्टीगेट अपसेट यहाँ पे दोबारा कर सकता है, लास्ट टाइम 65.5 किलो में जीता है। और 7 नंबर तृप्त का प्लेस ट्राई कर सकता है दोस्तों इस बारी, और काफी पीछे से 4था लगा था घोड़ा लास्ट टाइम। और इस रेस में पिक लेके चलूंगा दोस्तों 1 और 2 में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यार वैसे मुझे, और क्योंकि सेम ट्रेनर जैसा मैं बता रहा हूँ, तो मैं पिक लेके चलूंगा 3 नंबर रैपिडस अक्षय कुमार और 4 नंबर स्विफ्ट सी उमेश। आ जाते हैं दोस्तों मेजर इवेंट द महाराजाज गोल्ड कप ग्रेड 2 की रेस है, इसके बाद डर्बी आएगी ग्रेड 1, ये ग्रेड का भी होता है। और 2200 मीटर की रेस है दोस्तों, डिस्टेंस सबसे पहले मैटर करेगा इस बारी। और 1 नंबर ए स्टार इज बॉर्न सूरज नायडू, लास्ट टाइम 1600 में जिस तरीके से घोड़ा 4था हुआ है और जितनी प्लेस लग रही थी उसके बाद 4था होना, और वो भी शॉर्ट नेक से, वो मैं हर बारी बताता हूँ आप लोगों को और सभी जानते हैं मैक्सिमम, तो इस बारी सूरज नायडू के नीचे बिल्कुल घोड़ा बनता है यार। 2200 मतलब ये डिस्टेंस जाना चाहिए, 2000 के डिस्टेंस में घोड़ा, और 2200 जाना है। उसके बाद है 2 नंबर किंग्स रैंसम
पीएस चौहान सस्पेंड है, बहुत बढ़िया है, ज़्यादा लंबे समय तक सस्पेंड होना चाहिए। और जिस हिसाब से अगर घोड़ा जेन्युइन, और यार अगर राइडिंग के हिसाब से देखा जाए, लास्ट टाइम मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं है कि कई बार ये हो जाता है कि थर्ड एवेन्यू क्या पता एक्चुअल बीट कर गया हो। बट किंग रैनसम के जो ऑलरेडी रन है कि जिस तरीके से जूलियट के साथ में भाग रहा है या मीरा और भी रन है, उसके हिसाब से बिल्कुल 1800 में बिल्कुल जिसे कहते हैं यार बड़ा सरप्राइजिंग रन था। मतलब किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रन देगा। और खैर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ, और यही कहूँगा कि वेट का थोड़ा सा 2.5 किलो का एडवांटेज जा रहा है चौहान से, ट्रेवर बैठा दिया है। और अगर एक्चुअल कोई ट्रेनर, मतलब ऐसे में एक क्लब को अपनी तरफ से फ्री में जो मिलता ले लो। और वैसे ही एडवाइस देना चाहूँगा स्टीवर्ड वगैरह को एक, कि अगर जेनवन में कोई ऐसा कुछ होता है कि मतलब कोई घोड़ा पिटता है खासतौर पर मेजर इवेंट में, तो मेरे हिसाब से जिस सेंटर में टोटल जितनी बैटिंग होती है पंटर जो बैटिंग करते हैं उसका 40 या 50% मेरे ख्याल से जॉकी से ले लेना चाहिए। क्योंकि 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है चौहान पे और उसके बाद सस्पेंड किया गया है 4 तारीख से 16, 4, 5, 6, 7 मीटिंग मिस करेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ही हो गया उसके लिए, पुणे स्टार्ट होने वाला है। खैर 25,000 रुपये की पेनल्टी, चलो खैर आगे बात करते हैं। 3 नंबर मौजी, तो लास्ट टाइम रेल्स में घोड़ा यार अटक गया कह सकते हैं बिल्कुल, और अच्छा गैलअप ले रहा था। और लास्ट टाइम एक तो डेंजरस राइडिंग जिस तरीके से 2 नंबर की हुई, तो 3 नंबर ऑलरेडी मतलब मौजी तो भी डिस्टर्ब हुआ, और 4 नंबर सक्सेस बिल्कुल बनता है घोड़ा। और ए स्टार इज बॉर्न ने बीट किया था कलकत्ता में 2000 मीटर में, और बिल्कुल दो यार घोड़ा वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रह रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं दोबारा अक्षय कुमार के नीचे। और जैसा मैं बता रहा हूँ 5 नंबर थर्ड एवेन्यू, लास्ट टाइम 1800 में बीट किया है, इस बार 2200 जाना है। 1 रन अगर आप देखें तो ए स्टार इज बॉर्न के साथ फाइनल एंट्री कलकत्ता में, क्योंकि एक बार घोड़ा जीत जाए तो यार फिर ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई कहाँ से कैसे जीता। तो मैंने 1 रन थोड़ा सा देखा, एक्सेस विप यूज की गई थी, तेजेश्वर से पौने 5 लेंथ की बिडिंग थी। तो घोड़ा यार दोबारा अपसेट या प्लेस आप देख सकते हैं अपसेट में इसकी। और 6 नंबर फायर पावर लोअर वेट में सी उमेश के नीचे प्लेस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रेस्पुतिन बहुत बढ़िया घोड़ा लग रहा है यार, बहुत लास्ट टाइम थर्ड एवेन्यू के साथ में गुड सेकंड उड़ता हुआ आया था पीछे से, और एंटनी राज बैठ गया, बहुत बढ़िया जॉकी, 53 किलो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिर्फ जॉकी का वेट जा रहा है। और इम्तियाजी सीट जी का घोड़ा है, कुछ सुनने में आया था शायद तबीयत खराब है सीट साहब की, उम्मीद करते हैं ठीक हो गए हों। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 2 नंबर किंग्स रैनसम पी ट्रेवर और 1 नंबर ए स्टार इज बॉर्न सूरज नरेडू। और उसके बाद 7वीं रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1 नंबर है एजागिरी। यहाँ पे लास्ट टाइम यार रेयान अहमद के आगे भी काफी बैटिंग हुई थी, गुड सेकंड लगाया, सी ईगल के आगे, मिस माया के आगे 5वां। उम्मीद करते हैं घोड़ा यार यहाँ पे इस बारी जीते, यस नायडू के नीचे और बीबी ऑन कर रहे हैं। ये बीबी जो वर्ड होते हैं ये देख लिया करो यार, बिटो होती है ठीक है। 2 नंबर कॉल मी बोर्ड के लिए ट्राई कर सकता है, लास्ट टाइम 4था लगाया घोड़ा लॉन्ग लीज के साथ में, बहुत बढ़िया जीता था लॉन्ग लीज। और उसके बाद है रैम्बो ड्रीमर विवेक जी तिहानी के साथ में 6ठा लगा हुआ है, और प्लेस यहाँ पे देख सकते हैं अपसेट। और ब्लैंकर हुड ऑन कर रहे हैं, सीएनबी ऑफ कर रहे हैं, सनलिट पाथ मूक देके आ रहे हैं घोड़े को, और सी उमेश सरप्राइज कर सकता है। 5 नंबर चिलिल लेडी यहाँ पे हिंदू सिंह के नीचे प्लेस के लिए आप देख सकते हैं। 6 नंबर सेंगरियल अपसेट या सरप्राइज कह सकते हैं आप, हैदराबाद के दोनों रन अगर ऊपर के देखेंगे फेवरेट था, अद्भुत के आगे डिटेक्टिव के आगे गुड सेकंड लगा हुआ है। और मैजल टॉक के साथ में 7वें से 7वां रहा, और पी साई कुमार बैठा दिया इस बारी, सरप्राइज कर सकता है। 8 नंबर यंग डियाना अक्षय कुमार क्लिफोर्ड के साथ में 3rd लगा था, बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ में जीता था यार क्लिफोर्ड, और बिल्कुल अक्षय कुमार से अक्षय कुमार जा रहा है, और उम्मीद करते हैं ये चांस बिल्कुल बनता है इस घोड़े का यार।
और यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा, एक नंबर एजागिरी यस नायडू और 8 नंबर यंग डियाना अक्षय कुमार। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और यार, कुछ लोग ना मेरे को मतलब यूट्यूब में आप लोग मैसेज तो कर देते हैं, बट उसके बाद मैं रिप्लाई वहीं पे करता हूँ जहाँ पे आप मैसेज करते हो मेरे को, तो वहाँ पे भी रिप्लाई पढ़ लिया करो। तो आप लोग वहाँ पे रिप्लाई नहीं पढ़ते, फिर कहीं और आप मेरे को मैसेज करते रहते हैं, तो जहाँ पे आप मेरे को रिप्लाई कुछ भेजते हो वहीं पे मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, तो आप अपना रिप्लाई जरूर पढ़ा करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय यार, बाय बाय।